युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 14 फरवरी 2020 दिन शुक्रवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज षष्ठी तिथि शाम 6:21 तक रहेगी और उसके पश्चात सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 11:06 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए यदि आज आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी पास हो जाएगी। आज शराब, मांस और मदिरा के सेवन करने से आप शनि देव जी को क्रोधित कर सकते हैं, इसलिए आज आप इन चीजों का परहेज करें। आज वर्क प्लेस पर आपको प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आज आपका मन विचलित हो जाएगा और आप नर्वसनेस के कारण अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। छोटी मोटी भूल चूक भी आज आपको भारी पड़ सकती है जिससे आज आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए आज आप वर्क प्लेस पर अत्यधिक सावधानी बरतें और केवल अपने कार्यों पर ध्यान देकर उन्हें टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज यदि आपका अदालत में किसी मुकदमे में फैसला आने वाला है तो यह फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है। खेतीबाड़ी के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को आज धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको अंधे व्यक्तियों को लड्डू खिलाने चाहिए। आज नीम के पत्ते उबालकर पानी को ठंडा कर बोतल में भरकर रख लें, इससे आज आपके स्वास्थ्य में फायदा होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं या आपके धन प्राप्ति में देरी हो रही है तो आपको आज इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए। उपाय के अनुसार किसी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नारियल लेकर जाएं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर 7 बार फेर लें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का जप करते रहें। सिर पर फेरने के बाद नारियल हनुमान जी के सामने फोड़ दें। इस उपाय को करने से यदि आज आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं और काम का सिलसिले में मैं रहता हूं गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा 0 होके रखा था। मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं YouTube देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। ये देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरु माँ ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में ही मेरे को मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी अच्छे से लैब जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं। तो आप एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव, थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।